दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है Y2G स्टूडियो ऐप जो है यूट्यूब ने अपडेट की है और वो जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रही। जो आप एडिटिंग एडिटिंग करके आप टैग लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, लेकिन फिर आप जो है आपकी वीडियो वो सेव नहीं होगी, यानी सेव बटन जो है वहाँ पर दिखाई ही नहीं देती। तो आप इसे, मैं आपको दो तरीक़ों से बताता हूँ कि आप जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीक़ों से दो तरीक़े हैं जिसके ज़रिए वो अप्लाई करके आप जो है थंबनेल को भी सेव कर सकते हैं और सेव बटन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है वीडियो के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर एक तरीका ये है, अगर आपका जो है वीडियो सेव नहीं हो रहा और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेव बटन है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, यानी ऐसा रहेगा कि वो काम नहीं करेगा प्रॉपरली। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो है फर्स्ट तरीका जो है यहाँ से टाइटल से एक चीज़ को जो है आपने हटाना है और फिर से दोबारा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेव का बटन आपको जो है नमूदार हो चुका है, तो इसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ कि वो सेकंड तरीका क्या है जिसके ज़रिए जो है आप इसे सेव कर सकते हैं। तो जो सेकंड तरीका है वो आपने क्या करना है कि आपने जो है, अगर आपकी वीडियो जो है प्राइवेट है तो वो आपने अनलिस्टेड करनी है यहाँ से। तो यहाँ से आपने अनलिस्टेड करनी है। तो तीसरा भी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो सेव बटन जो है ऊपर आ चुका है और आप इसे सेव कर पाएंगे। यहाँ पर जो है आप जो है आसान तरीके से सेव करते हैं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आप जो है तीसरा तरीका बता देता हूँ जिसके ज़रिए भी आप आसानी से जो है अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वो क्या है कि आपने जो है यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट से वीडियो को हटाना है। अगर आपका पहले से हट चुका है तो आपने उसको दोबारा ऐड करना है प्लेलिस्ट में। तो ये तरीका भी अप्लाई करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेव का बटन जो है नमूदार हो चुका है और बिल्कुल आसान तरीके से ये हो सकता है। तो ये तीन तरीके थे जो आज मैंने आपको बताए कि ये जो है आप अप्लाई करके आप जो है आसानी के साथ बिल्कुल अपने वीडियोस को सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। तो चलिए लतीफ़ा स्टार्ट कर देते हैं। एक बीवी ने अपने शौहर से कहा कि जब मैं बोलती हूँ तो आप जो है दरमियान में बिल्कुल ना बोला करें। तो शौहर बेचारा, उसने चुपके से कहा कि जब तू सो जाए तब मैं बोला करूँ।